हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम में कौन आने वाला है। क्या ये आपका एक्स है जिससे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, किसी वजह से ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन आ गया, नो कॉन्टैक्ट में चले गए या जो भी हुआ, या फिर ये कोई नया पर्सन है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। बाकी आपको मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे फिर वो कोई सर्विस लेनी हो या फिर आपको मेरे दूसरे चैनल्स के बारे के लिंक्स चाहिए होंगे, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि किसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक्स या किसी नए पर्सन को, कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में। चलिए जस्ट अ सेकेंड। गाइस एक मिनट रुकिएगा, मुझे जो डेक चाहिए ना वो मैंने निकाला ही नहीं, अब मुझे याद आया। ओके लेट्स स्टार्ट। कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट? सी लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है वो सेरेंडिपिटी का है, सिल्वर वाटरफॉल, इनर पीस, सेक्सुअलिटी। ओके अब हम करेंगे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आप रेजोनेट कर पाते हो, रीडिंग से मैच कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सेरेंडिपिटी कार्ड क्यों आया है? सेरेंडिपिटी कार्ड आप की रीडिंग में क्यों आया है? टेन ऑफ पेंटिकल्स, द सिल्वर वाटरफॉल, ये एनर्जी क्यों आई है? द सिल्वर वाटरफॉल, ये एनर्जी क्यों आई है? ओके सेवन ऑफ स्वर्ड्स, द इनर पीस, ये एनर्जी क्यों आई है? क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में विद दिस इनर पीस? एस ऑफ वॉन्ट्स, सेक्शुअलिटी, ये एनर्जी क्यों आई है? फाइव ऑफ कप्स। ओके सबसे पहले तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट साइन नहीं है, सारे यहाँ पे लाइक दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, डेफिनेटली सारे ही साइंस होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि आप ये जो रीडिंग देख रहे हो, आप लोग आप अपने लाइफ में ना एक उम्मीद खो चुके हो विथ रिगार्ड्स टू लव। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने आपको हर रीडिंग में बताती हूँ ना कि फेथ रखो, उम्मीद रखो, उस तरह का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ओवरऑल ही जो कुछ घटित हो रहा है आपके लव लाइफ में या होता आया है, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं इन योर पास्ट रिलेशनशिप्स, आप होप्स खो चुके हो। ठीक है, आपको ऐसा लगने लगा है मानो मेरी लव लाइफ प्रॉब्लम से ही भरी होती है, कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता, हमेशा मुझे मैं डार्कनेस में रहती हूँ, हमेशा मुझे ऐसे पार्टनर मिलता है जो, या ऐसा रिश्ता मिलता है जो आगे नहीं बढ़ पाता, मुझे एक कमिटेड रिलेशनशिप। आपको कैसा पर्सन चाहिए जो आपको कमिटमेंट दे, जो शादी तक ले जाए इस कनेक्शन को? ओके एंड वैसा आपको कोई भी पर्सन नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो आपका रिलेशनशिप होने वाला है, लाइक आने वाले समय में जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा, अब वो कौन होगा वो जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इस पर्सन के साथ आपके इवन शादी तक
जाने के जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर परफेक्ट पार्टनर. ओके, जैसे होता है ना कंपैटिबिलिटी टेस्ट में 10/10 मिलना जिसके साथ, तो ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जिसके साथ आपके आप कनेक्ट कर पाओगे और ये पर्सन आपके साथ उस रिश्ते को आखिर तक निभाएगा. ओके, तो आपको फिर तब महसूस होगा कि ठीक है, एक बुरा वक्त था मेरे लाइफ में, मुझे बुरे एक्सपीरियंसेस आए, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, लेकिन अब मुझे अच्छा मिल रहा है कुछ फाइनली. तो जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो ना, आप अपने आप को अनलकी मत समझो या ऐसा मत सोचो कि मुझे कभी प्यार मिलना ही नहीं वाला है. देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जैसा प्लान करते हैं अपने लिए, वो प्लान भगवान हमारे लिए नहीं करता, भगवान कुछ और अच्छा हमारे लिए प्लान करता है. तो कभी कभी अगर ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ वैसी नहीं जा रही होती है जैसे आप चाहते हो, तो इट्स बिकॉज कि भगवान आपकी लाइफ को कुछ और मुकाम पे ले जाना चाहता है जो इस लाइफ से काफ़ी ब्यूटीफुल है, इस वक्त से काफ़ी ब्यूटीफुल है, राइट? तो कभी कभी हमारे प्लान इसलिए वर्कआउट नहीं करते क्योंकि भगवान का प्लान कुछ अलग होता है, और वो चीज़ हमें एक्सेप्ट करते करते बहुत वक्त चला जाता है. ठीक है, जो चीज़ अभी आपको इतना तकलीफ़ दे रही है ना, चाहे वो किसी से ब्रेकअप हो या चाहे कमिटमेंट किसी से ना मिलना हो, वो चीज़ 10 साल बाद आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगी. ओके, क्योंकि जिसको रहना होता है वो रहता है, जिसको जाना होता है वो जाता है. सो अभी आपको जो एक अंधेरा, अकेलापन, मायूसी महसूस हो रही है ना, उतनी ही खुशी आपको ये पर्सन देने वाला है इन कमिंग फ्यूचर. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपने, मुझे लगता है, बहुत कुछ सहा है. चीटिंग, झूठ बोलना, धोखा, डिसेप्शन, लाइज, बहुत कुछ झेला है, बेवफाई. ओके, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों ने कुछ झेला होगा तो कुछ लोगों ने कुछ झेला होगा. आपको ऐसे ही लोग मिले जो चीट करते हैं, जो जो प्रॉमिस करते हैं उसे पूरा नहीं करते, जो आपको तड़पाते हैं, तरसाते हैं, दूर रहते हैं. तो ये बस वो चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हो अपनी आँखों से. कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है ना आपके लव लाइफ में जो इस वक्त आपको दिख नहीं रही है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलने वाली है. ओके, सो जितना पेन उतना गेन. अभी जितना आप पेन में हो उतना ही आपको आगे जाके अबंडेंस मिलने वाला है. सो रिवॉर्ड मिलेगा आपको. दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि इस वक्त मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ना अकेले रहना चाह रहे हो, शांति से, सुकून से. आप कोई ऐसा रिश्ता चाहते हो जो आपके लाइफ में अकेलापन, सैडनेस, डिप्रेशन ना लाए. आप कोई ऐसा रिश्ता चाहते हो जो आपके लाइफ में एक उम्मीद जगाए. ओके, जो आपके लिए स्टैंड ले. मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोग किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो. यू आर मैनिफेस्टिंग समवन फ्रॉम योर पास्ट, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन कमिटमेंट लेकर आए, ये पर्सन एक कुछ तो नया करे, मतलब पहले जैसा रिपीटेटिव चीज़ें ना चले आप दोनों के बीच में. आप चाहते हो ये पर्सन कुछ नया कुछ बेटर ऑफर करे आपको. ठीक है, क्योंकि आप अपने पीस ऑफ माइंड यहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे आप सुकून महसूस कर रहे हो, शांति से रहना चाह रहे हो, वहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है. एंड आप उस पीस ऑफ माइंड को आप किसी भी तरह से या किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते. ठीक है, सो आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरे पास आए तो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके आए, कुछ एक नए मेंटालिटी के साथ आए, फ्रेश मेंटालिटी के साथ. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अभी तक के रिश्ते जितने भी रहे हैं, या मेजॉरिटी जो लोग आपकी लाइफ में आए वो सिर्फ आपकी ब्यूटी देखकर, या कुछ उनका फ़ायदा था आपसे, या तो आपके पैसे देखकर, ब्यूटी देखकर, उनके अपने कुछ नीड्स थे उसके लिए. तो आप नहीं चाहते कि कोई भी रिश्ता इतने शैलो फाउंडेशन पे बने कि बस आपकी ब्यूटी देखकर कोई आपकी तरफ आ रहा है, या सिर्फ आपका पैसा देखकर, या दोनों चीज़ें दे आपकी ब्यूटी, पैसा, सब कुछ देखकर ही आपके पास आ रहा है. आप एक सच्चा रियल कनेक्शन चाहते हो, और मे बी वो आपको अभी तक नहीं मिल पाया वैसा स्टेबल कनेक्शन. ठीक है, सो या चलिए आगे बढ़ते. और सो एक चीज़ तो पता चल गई है कि आप में से मेजॉरिटी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पुराने पर्सन को. मुझे नहीं लगता आप में से कुछ लोग नए पर्सन, बहुत कम लोग हैं, या कह लो ना के बराबर लोग हैं जो किसी नए पर्सन को चाह रहे हो. तो देखते हैं कि आप जिनको भी चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या ये पर्सन किस माइंडसेट में है ये.
क्योंकि मुझे एक्स की ही एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, तो हम अब एक्स को कंटिन्यू करेंगे। मैं नए पर्सन का भी देखूंगी कि किस तरह का पर्सन आएगा आपके लाइफ में, नया पर्सन। लेकिन फ़िलहाल हम जो मेजॉरिटी लोग चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक्स चाहिए उन्हें, बट सुधरा हुआ एक्स, बिगड़ा हुआ नहीं, तो वो अब किस माइंडसेट में है? वॉइस रेडिकल सेल्फ लव, रेडिकल क्यूरियोसिटी, इमोशनल एनर्जी, सर्कल्स। अब उन लोगों के लिए भी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ जो नया पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किस तरह का पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? क्रिएटिव पावर, इनफ, ब्रोकन ड्रीम्स। ओके, अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, कोई डाउट ना रहे। ओके, जो वॉइस की कार्ड है वो क्यों आई है यहाँ पे? व्हाई इज दिस वॉइस एनर्जी हियर? किंग ऑफ वंड्स। रेडिकल सेल्फ लव क्यों आया है? सिक्स ऑफ वंड्स। रेडिकल क्यूरियोसिटी क्यों आई है? एट ऑफ वंड्स। वंड्स की एनर्जी आ रही है, वाओ। इमोशनल एनर्जी क्यों आई है? द टावर। एंड सर्कल्स की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, जो भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पार्टनर की एनर्जी में क्रिएटिव पावर या एनर्जी क्यों है? सेवन ऑफ वॉन्ट्स। इनफ या एनर्जी क्यों है? एक्वेरियस। एंड ब्रोकन ड्रीम्स या एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ वॉन्ट्स। ओके, तो मैं जो है ना वो बोलूँगी आपको अच्छा लगने के लिए, मैं कुछ नहीं शुगर कोट करके बताने वाली। सबसे पहली चीज़ तो मैं उन लोगों की बात करूँगी जो किसी पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनकी ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है इस रीडिंग में। देखिए, ये जो पुराना पर्सन है ना, आप उससे आप चाहते हो सबसे पहले तो ये पर्सन अपनी चुप्पी तोड़े, ये कुछ तो बोले जो आप सुनना चाहते हो सकता है ये कोई क्लैरिफिकेशन हो या कुछ तो ऐसा है जो आप चाहते हो कि ये पर्सन फाइनली बोल दे, क्योंकि आपसे अब इस पर्सन की चुप्पी नहीं सही जा रही है। यू वॉन्ट देम टू टॉक, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता है कि ये पर्सन प्यार करते हैं एंड उनका ध्यान आप पे है। दे स्टिल मिस यू, दे स्टिल थिंक अबाउट यू। अट्रैक्शन है, प्यार है, आप जानते हो, लेकिन आप चाहते हो कि पर्सन ये नो कॉन्टैक्ट तोड़े और आपसे बात करे, ठीक है? और आप उनका ध्यान एग्जैक्टली आपके ऊपर है, जो आपको फील हो रहा है ना उनके लिए कि वो पर्सन का है ध्यान मेरे ऊपर, वो सच में है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन अगर आपसे दूर गए ना, तो ये पर्सन ऐसा नहीं हुआ कि ये पर्सन भटक गए और किसी और के पास चले गए। इन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने करियर पे, अपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन ने अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अगर सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, अगर करियर फोकस्ड हो गए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और अभी भी मुझे लगता है वो अपने करियर और सेल्फ लव पे कायम है, ओके, और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। और जब इंसान सेल्फ लव करता है ना, तब उसे इम्पॉसिबल सी चीज़ भी पॉसिबल होते हुए दिखती है, वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ। अगर पास्ट में ये आपका साथ नहीं दे रहे थे, इनको लगता था कि ये रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, वो आपके लिए नहीं फाइट कर सकते अपने फैमिली से या किसी से, तो अब वो कॉन्फिडेंस मुझे उनके अंदर दिख रहा है, जस्ट बिकॉज दे स्टार्टेड लविंग देमसेल्व्स, ठीक है? मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, और ये किसी भी वक्त, मुझे लगता है अगस्त में जाने से पहले ही काफ़ी लोगों को अपने पर्सन की तरफ से, मतलब शुरुआत ऐसी होगी कि उन्होंने मे बी गलती से आपकी स्टोरी देख ली, व्यू कर ली, या गलती से कुछ भेज दिया आपको मैसेज, ठीक है? तो शुरुआत कुछ अनएक्सपेक्टेड होगी, मे बी उनका भी इंटेंशन नहीं होगा आपको मैसेज करने का कि मैं मैसेज ही कर रहा हूँ या उसको मैं
रिस्पॉन्ड करूँगा, लेकिन एक गलती से कुछ होने वाला है जिसकी शुरुआत होगी गलती से, लेकिन फिर आप दोनों बात करना शुरू करोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके एनर्जी में वो पर्सन है, वैसे उनके एनर्जी में भी आप हो, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनको पता करने की बहुत इच्छा हो रही है कि आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, सो दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि जो ब्रेकअप हुआ आप दोनों का, उसके बाद इस पर्सन के अंदर जो एक इमोशंस थे जो स्टेग्नेंट हो गए थे, रुक गए थे, थम गए थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स को समझा है एंड नाउ वो उस ब्रेकअप को फील कर पा रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई हमारी ज़िंदगी में अचानक से कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट, तो तब हमें वो शॉक नहीं लगता है, हमें शॉक काफ़ी टाइम बाद लगता है कि यार यू नो, या फिर उस चीज़ का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बाद में होता है। तो आपके पर्सन के लिए कुछ ऐसा हो रहा है कि ब्रेकअप तो तब हुआ मे बी कुछ महीने पहले, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनके इमोशंस पे इस वक्त हो रहा है बहुत ही गहरे तरीके से। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन को, जब ये पर्सन अकेले पड़े, जब आपसे दूर हुए, जब इनको प्यार मिलना बंद हो गया, आपकी तरफ से अटेंशन मिलनी बंद हो गई, जब ये भीड़ में भी अकेला पाने लगे खुद को, तब इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई। सो दिस इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, अगर आप अपने एक्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नए पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं आपको बोलूँगी कि ये नया पर्सन जो है, इसके अंदर बहुत से चक्रा ब्लॉकेजेस है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए। तो अगर इस वक्त में आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आता है, स्पेशली इस मंथ में, मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा इमोशनली अटैच जल्दी मत होइए, क्योंकि ये पर्सन हाल ही में किसी ट्रॉमा से, किसी ब्रेकअप से निकल के आया है, लाइक जैसे रीबाउंड होता है ना। तो अगर इस मंथ में कोई आपके करीब आने की कोशिश करता है नया पर्सन, तो ये ज़रूर देखिएगा कि वो पर्सन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके एक्स के साथ यू नो उनका भी ब्रेकअप हुआ है एंड वो मूव ऑन होने के लिए या उसको भूलने के लिए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको दूर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी एंड अनहील्ड है ये पर्सन। चक्रा ब्लॉकेजेस है, ये पर्सन नहीं 100% दे पाएंगे इस कनेक्शन में। अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो क्या होगा, ये पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे उतना प्यार या कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप तो मुझे काफ़ी रेडी दिख रहे हो, आप ऑलरेडी परेशान हो, तो और परेशानी में मत पड़ो, ठीक है। लेट दिस पर्सन हील। हाँ, अगर आपको ये पर्सन बहुत पसंद आता है, जो भी है, अक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, या टॉरस हो सकता है, तो अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो लेट देम हील फर्स्ट। उनसे जैसे कैसे उनके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करिए, उनको हील होने दीजिए। हो सकता है किसी को ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन मिले जिनकी अभी शादी टूटी हो या घर वालों की वजह से रिश्ता टूटा हो, और ये पर्सन बहुत ही, जैसे होता है ना कि हम कभी कभी एकदम पम्प्ड अप हो जाते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, बस हो गया, मैं अपनी लाइफ को मेरे मन मुताबिक बिल्ड करूँगा, मैं उसको भूल जाऊँगा, तो उस वक्त इंसान, उसको लगता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस ले रहा है, लेकिन वो अगर बिना हील हुए, अपने आप को टाइम अगर नहीं दे रहा है हील होने के लिए, और आगे बढ़ता है किसी और नए रिश्ते में, तो वो खुद की लाइफ तो ख़राब कर रहा है, दूसरों की भी कर रहा है। तो आपको मैं बस इतना कहूँगी, अगर जुलाई मंथ में कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रही है तो बच के रहियो, क्योंकि ये पर्सन आपको रीबाउंड बना सकते हैं, ओके, जस्ट उनके पास्ट से मूव ऑन होने के लिए। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आए आपकी लाइफ में, ठीक है। सो या आपके लिए देखते हैं कुछ एडवाइसेस। जो एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। रिलैक्स, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अपने आप को शांत रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए किसी चीज़ का, इमोशनल मत होइए ओवरली,
ठीक है, अपने आप को एकदम बैलेंस्ड माइंडसेट में रखना है। एंड लास्ट मैसेज है, नो यू आर लव्ड। तो आपको प्यार करते हैं सिर्फ ये पर्सन ही नहीं, यूनिवर्स आपसे प्यार करता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, रिलैक्स करिए। नए लोग, नए पर्सन को जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? डिवाइन प्लीज़ गाइड करे। जो लोग किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थिंक इट थ्रू। तो यही मैं आपको बोल रही थी कि सोच के करिए, बिना सोचे समझे, बिना रियलिटी जाने किसी न्यू रिलेशनशिप में मत जाइए, ठीक है? क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी देखी है, आप डिज़र्व नहीं करते हो कि कोई आके आपके, आपको एक जैसे टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंके, राइट? आपके भी इमोशंस हैं, आप ऑलरेडी बहुत सह चुके हो। चलिए और देखते हैं, लास्ट मैसेज आपके लिए, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो सब ठीक होगा, बस मैं आपको यही बोलूँगी, कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करिए, ठीक है? जो लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। नए पर्सन के लिए हम कोई लव मैसेजेस नहीं देखेंगे क्योंकि अभी तक ये पर्सन अपने के लाइफ में आया नहीं है, सो इसलिए मैं कोई लव मैसेजेस नहीं देखूंगी। आपके जो लोग एक्स से डील कर रहे, करना चाहते हैं या फिर से मौका देना चाहते हैं एक्स को, जो मेजॉरिटी लोग हैं हमारे यहाँ पे, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं? यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। डेफिनेटली आप अभी भी इनके सांसें चुराते हो, मतलब अभी भी ये प्यार करते हैं आपसे। आई ऑलवेज न्यू यू आर माई अदर हाफ। तो ये हमेशा से जानते थे कि आप उनके अदर हाफ हो। आई एम रियली बैड एट, मैंने बोला ना, ये पर्सन ने कुछ तो कमिटमेंट नहीं दिया था आपको पास्ट में। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। तो ये आपके पिक्चर्स देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस लव। तो ये प्यार छुपाना नहीं चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। ये भी एनर्जी निकल के आई थी आपकी रीडिंग के दौरान। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो इन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करी है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। तो कुछ और मैटर नहीं करता, सिर्फ आप मैटर करते हो। चलिए थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि इन्होंने अपने फ्रेंड्स को क्या बोला आपके बारे में, एट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इन्होंने यही बोला है कि इस रिश्ते को उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाया, इस पर बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन को, और अब इस कनेक्शन को ऐसे ही जाते हुए नहीं देखना चाहते, वो इस रिश्ते पे और काम करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है ये पर्सन अपने करियर पे भी काम करना चाहते हैं। सो दोनों चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, ऐसा क्यों कर रहा है यहाँ पे? यस, मे बी ये इनकी फैमिली डिफरेंट है, या इनकी फैमिली अरेंज मैरिज को फॉलो करती है, कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं इनके, या कुछ कल्चर डिफरेंस है। ओके, तो इनको पता है कि इनकी फैमिली को मनाना बहुत ही मुश्किल है, आप में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस लव, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? यस, पहले ये प्यार से भागे थे, प्यार था बट वो प्यार से दूर गए, सैडली दूर गए, मिस किया आपको, लेकिन अब नहीं करना चाहते, ठीक है? ओके, दैट वॉज इट। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी मदद की होगी समझने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर रीडिंग आपके दिल को छू गई है, कुछ तो आपको इसमें से गाइडेंस मिली है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। एंड मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना एक बार। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।